सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? आज क्या बात है? फ्रंट रो खाली है, बच्चे एब्सेंट है? ओके ओके फाइन। तो सेम वही प्रोसीजर जो हम पिछली बार कर रहे थे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोथ हमारे एफएमबी और हाउसकीपिंग दोनों बच्चों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा हॉट ग्रेविटी कैच करके रखते हैं, यानी जब आपका इंटरव्यू होता है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीजें नोट डाउन की थी, राइट? हाउसकीपिंग वालों के लिए रूल्स ऑन गेस्ट फ्लोर, लॉस्ट एंड फाउंड प्रोसीजर, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। आज हम दोबारा उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ नए टॉपिक होंगे, सम न्यू टॉपिक्स। जैसे आज मैं आपको कुछ साइजेस के बारे में बताना चाहूंगा। हालांकि आप बोलोगे साइज का हमें क्या करना, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, बट हमारे एफएमबी वाले बच्चों से सवाल पूछा जा सकता है कि बेटा बताओ साइड प्लेट का क्या साइज होता है, मेन कोर्स प्लेट का कितना साइज होता है, स्वीट प्लेट कितनी बड़ी होती है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे किए जा सकते हैं। इन चीजों को हैंडल करने के लिए कम से कम हमारे पास थोड़ा बहुत बेस हो। ओके, आर यू रेडी? तो सारे बच्चे जितने यहाँ पे बैठे हैं वो सामने स्क्रीन पे भी ध्यान देंगे और मेरी आवाज को ठीक से सुनेंगे। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, आप प्लीज चुप मत बैठना, टेल मी, आई विल रिपीट इट फॉर यू। बट ऐसा ना हो कि ये क्लास निकल जाए और आपने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया, फिर तो यहाँ बैठना और गार्डन में बैठना इट्स मोर लाइक सेम। गार्डन में बैठ कर टाइम पास करते हैं, क्लास में बैठ के भी टाइम पास किया, सो नो, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना है। राइट नाउ यू आर सिटिंग, राइट नाउ यू हैव योर बुक्स पेन पेंसिल विद यू, राइट डाउन एवरीथिंग, सब कुछ लिखो, जो कुछ लिख सकते हो सब लिखो। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप चीजें नोट डाउन करोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आपको एक भी इंफॉर्मेशन वेस्ट नहीं जाएगी। जो भी आप पढ़ते हो पक्का आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इट विल बी हेल्पिंग यू। ओके, ग्रेट। सो आज मेरा जो टॉपिक है मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ फूड एंड बेवरेज वालों के साथ में। एफएमबी वाले बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? जरा हाथ खड़े करो, मैं देखूं तो सही। ये फ्रंट वाली, फ्रंट गर्ल, एफएमबी, हाउसकीपिंग, ओके गुड, नो प्रॉब्लम। सो गाइस, इट्स फॉर एवरीवन, एज आई सेड, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि जितने भी बच्चे हैं वो हर एक इंफॉर्मेशन जर्नल नॉलेज की तरह अपनी बुक में लिखते रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दी एफएमबी वन। सबसे पहले एफएमबी के साथ एक ऐसा क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जो बहुत ही अटपटा होता है, जो बहुत ही डाइसी होता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो आपका सबसे पहला मकसद ये होता है कि मुझे इंटरव्यू को क्रैक करना है किसी भी हालत में। और इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसका एक मकसद होता है कि मुझे आपको पैनिक करना है, आप कांपने लगो, आप एकदम घबरा जाओ, ताकि आपका ट्रू कैरेक्टर उसके सामने आए। सो इंटरव्यू वही लोग क्रैक कर पाते हैं जो अपनी इन चीजों पे कंट्रोल रखते हैं। जैसे आपको पैनिक नहीं होना है, अगर आपको सवाल समझ में नहीं आया आप उस सवाल को दोबारा पूछो, अगर आपको सवाल का आंसर नहीं मालूम, आपको जवाब नहीं आता, इसका भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि चुप बैठे रहो, चुप बैठने का तो मतलब बहुत कुछ होता है, आपको सवाल समझ में नहीं आया, आपको आंसर नहीं आता, या आप ध्यान नहीं दे रहे। सो आपको हर चीज कम्युनिकेट करनी पड़ती है। अब सपोज मेरे से अगर किसी ने पूछ लिया कि वर्ल्ड के 5 फास्टेस्ट प्लेन का नाम बताओ, मुझे नहीं मालूम, तो मैं बोलूंगा सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो द आंसर, आई एम रियली सॉरी। तो जब आप इस तरह से बात करते हैं, ये क्या दिखाता है? आपका प्रोफेशनलिज्म, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। उस इंटरव्यूअर को ये जरूरी नहीं है कि आप क्या सवाल दे रहे हो, आप क्या जवाब दे रहे हो, उसे ये जरूरी है कि आप कैसे जवाब दे रहे हो। जिस तरह से आप उससे बात कर रहे हो, अगर वो उससे इंप्रेस हो जाता है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है उस इंटरव्यू को पार करने के लिए। ऑल राइट? तो जितने हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, ये
आप सबसे मेरी एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप इंटरव्यू में कभी भी किसी राउंड के लिए किसी को फेस करने जा रहे हैं जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, जिसकी लाइक्स डिसलाइक्स आपको नहीं पता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इंटरव्यू होता है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का। उस 10 मिनट में आपने अपने पूरी नॉलेज का जिस्ट तैयार करना है और वो जिस्ट ऐसे दिखाना है कि आपसे बढ़िया उसे कोई प्रेजेंट कर ही नहीं सकता। यू आर द बेस्ट एंड यू आर द ओनली बेस्ट। हर बच्चा अपने में एक चैंपियन है, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे एफएमबी वालों के लिए, मैं जल्दी से नोटपैड ओपन कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे इस चीज को प्रॉपरली नोट डाउन करें, बिकॉज मैं नोटपैड इसलिए आपको सामने दिखाता हूं ताकि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। सर हमने सब कुछ सीख लिया लेकिन हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि ऑदर्स की स्पेलिंग क्या होती है। सर मुझे ये नहीं मालूम कि अपेरेटिव को कैसे लिखा जाता है। सर मीजोप्लामीजोसी की क्या स्पेलिंग होती है। तो ये चीजें हटाने के लिए, इन चीजों को दूर करने के लिए, लेट मी जस्ट ओपन द नोट पैड और जस्ट गिव मी अ मिनट। आप सारे लोगों को समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं आपको, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ओके, सो हमारा जो पहला सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट अबाउट द क्रॉकरी साइजेस। कितने टाइप की क्रॉकरी होती है और उस क्रॉकरी का क्या साइज होता है आज मैं आपको बताऊंगा। सो मेक श्योर यू ऑल आर अलोंग विद मी। आप सबको भी सामने भी स्क्रीन दिख रही नोटपैड की, राइट। सो आज हमारा पहला टॉपिक है हमारे एफएमबी वालों के लिए क्रॉकरी साइजेस। सबसे पहली बात, क्रॉकरी का मतलब क्या होता है? ओके, क्रॉकरी का मतलब होता है वो प्लेट्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, वो सारी चीनी मिट्टी से बनी होती है, फोम चाइना से आती क्रॉकरी। सो सबसे पहले साइड प्लेट, ओके, तो सबसे पहले हमारी जो प्लेट है दैट इज साइड प्लेट, और साइड प्लेट का जो हमारा साइज है उस साइज है 6 इंच डायमीटर। साइड प्लेट कहां पे रखी जाती है? लेफ्ट साइड में, वेरी गुड। दूसरी फीट प्लेट 7 इंच डायमीटर, फिश प्लेट 8 इंच डायमीटर, सूप प्लेट 8 इंच डायमीटर, जॉइंट प्लेट जो सबसे बड़ी प्लेट होती है, ज्वाइंट प्लेट का दूसरा नाम क्या होता है कोई बताएगा? वेरी नाइस, एक्सीलेंट। ज्वाइंट प्लेट को हम मेन कोर्स प्लेट भी कहते हैं, दैट इज 10 इंच डायमीटर। सो ये है हमारे कुछ फेमस प्लेट जिसमें सूप भी आता है, फिश भी आती है, मेन कोर्स भी आता है और स्वीट भी आता है प्लस साइड प्लेट। सब बच्चों ने लिख लिया है? वेरी गुड। अब हाउसकीपिंग वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसका
हेडिंग है रूम एरिया. अब तक आप बच्चों ने बहुत सारा यू हैव गॉन थ्रू लॉट मेनी इंफॉर्मेशन. क्लीनिंग एजेंट क्या होता है, हाउसकीपिंग में कितने लोग होते हैं, पब्लिक एरिया क्या होता है, प्राइवेट एरिया क्या होता है, रूम की क्लीनिंग कैसे की जाती है, डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है, रूम स्टेटस रिपोर्ट, कंट्रोल डेस्क, एवरीथिंग. नाउ अगर हमारे रूम्स जो हमारे हाउसकीपिंग वाले हैं, अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया बेटा एक बात बता दो कि एक रूम का साइज कितना होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से, क्या किसी बच्चे को मालूम है? एनी आइडिया? तो इसमें हम सबसे पहले कैटेगरी लेंगे फाइव स्टार डीलक्स होटल की. यानी अगर आपका होटल वन स्टार, टू स्टार, थ्री स्टार, फोर स्टार, फाइव स्टार या फाइव स्टार डीलक्स है, तो आपके स्टार के मुताबिक आपके रूम का साइज डिफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, सिंगल रूम का साइज होता है 180 स्क्वायर फीट. डबल रूम का साइज होता है 200 स्क्वायर फीट. और इनके बाथरूम का साइज होता है 45 स्क्वायर फीट. ये बात हो रही है फाइव स्टार डीलक्स होटल की. यानी स्टार कैटेगरी में सबसे टॉप का होटल, कोई सेवन स्टार होटल नहीं होता. द बेस्ट कैटेगरी इज फाइव स्टार डीलक्स कैटेगरी और फाइव स्टार लग्जरी कैटेगरी. सेम थिंग, अगर आपका होटल फोर या थ्री स्टार है, तो आपके रूम्स का क्या साइज होगा? सिंगल रूम का साइज होगा 120 स्क्वायर फीट. डबल रूम का साइज होगा 140 स्क्वायर फीट. और बाथरूम का साइज होगा 36 स्क्वायर फीट. और अगर आपका होटल टू या वन स्टार है, तो इसके रूम और भी छोटे हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, सिंगल रूम 100 स्क्वायर फीट, डबल रूम 120 स्क्वायर फीट एंड बाथरूम 30 स्क्वायर फीट. ये है वो एग्जैक्ट डायमेंशंस जो कि डिसाइड करते हैं कि क्या आपका होटल फाइव स्टार है, फोर स्टार है, थ्री स्टार, टू स्टार, वन स्टार या फिर अनकैटेगराइज्ड होटल जिसकी कोई कैटेगरी भी नहीं है. तो अगर कल कोई हमारा होटल बनाना चाहे, अगर हमारे स्टूडेंट होटल बनाना चाहे, तो उसको कम से कम ये मालूम रहेगा कि एक फोर स्टार में कम से कम रूम का कितना साइज होना चाहिए, एक फाइव स्टार में कम से कम कितना होना चाहिए, एक टू स्टार और वन स्टार में कितना होना चाहिए. सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया? यस सर. श्योर? यस सर. तो ये जो मैंने आज आपको इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग जिसमें मैंने हमारे एफएमपी वालों को बताया कि प्लेट्स का साइज कितना होता है, हाउसकीपिंग वालों को ये पता है कि आपका कार्य क्षेत्र एक रूम है, गेस्ट रूम, बट क्या कभी आप सफाई के दौरान ये जानना चाहोगे कि आपके बाथरूम का साइज कितना है? कोई नहीं जानना चाहता. बट अगर आपको इंफॉर्मेशन आपके पास है, इफ यू नो द साइज, डोंट यू थिंक आप थोड़ा अलग देखोगे? राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ये सवाल पूछना कि बेटा क्लीनिंग कैसे की जाती है, वैक्यूमिंग क्या है, पॉलिशिंग क्या है, स्क्रबिंग क्या है, कंट्रोल डेस्क क्या है, दीज आर थियरी क्वेश्चंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको क्या बता रहा हूँ.
ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये ऑल थियरी इंफॉर्मेशन है, बट नाउ द इंफॉर्मेशन विच यू आर गेटिंग इज द सुपर टेक्निकल इंफॉर्मेशन. एग्जैक्टली पॉइंट डेसिमल, कितना टेम्परेचर, कितना डायमेंशन, कितना स्क्वायर फीट, ये उस लेवल की बात हो रही है. तो हर बच्चा इस चीज को नोट डाउन पक्का करेगा. कोई बच्चा ये ना बोले मैंने तो हाउसकीपिंग पढ़ना नहीं है, मैं नहीं नोट डाउन करूंगा. हाउसकीपिंग वाले बोलेंगे हमें क्या करना है एफएमबी से, वी विल नॉट नोट डाउन. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर राइटिंग इट व्हाइल राइटिंग, आपका दिमाग उसमें से बहुत कुछ पहले ही याद कर लेता है. कभी जब एग्जाम आता है तो हम हमेशा हाथ में बुक लेके पढ़ते हैं, बट कई बच्चे पढ़ते हैं फिर उसको लिखते हैं. दोज हु आर रिमेम्बरिंग एंड राइटिंग, उनके दिमाग में वो चीज काफी लंबे समय तक याद रहती है. सो हर बच्चा यहाँ पे जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, व्हाइल यू आर राइटिंग आपको मालूम भी नहीं चलेगा, बट आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी. नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज समथिंग रिगार्डिंग हाउसकीपिंग. अगर मैं आपको जनरल एक बात करूं, जो हाउसकीपिंग वाले बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, कि बेटा हाउसकीपिंग के बारे में अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत सारे लेवल आपने पढ़ लिए, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि कल मैं आपको अपने होटल का क्वेश्चन पे ध्यान दो सारे, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एज्यूम करो कि मैंने 10 होटल खरीदे, मैं आप में से 10 बच्चों को हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का हेड बना देता हूं. अब आप मुझे बताओ कि आपने जितनी स्टडी की है अब तक हाउसकीपिंग की, उसके बिना पे आपको क्या समझ में आता है कि एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, उसको क्या क्या करना जरूरी है? कोई बच्चा मेरे को बता सकता है इसमें? अगर मैंने आपको अपना मेरे होटल का हाउसकीपिंग का एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बना दिया, सबसे पहली बात, कोई बच्चा हाउसकीपिंग मैनेजर नहीं बोलेगा. हाउसकीपिंग में मैनेजर नहीं होता है. हाउसकीपिंग में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर. एफएमबी में क्या होता है? सुपर. सो कभी भी मैनेजर को उठा के कहीं भी मत जोड़ देना, और एग्जीक्यूटिव को उठा के कहीं मत जोड़ देना. इट इज एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर एंड फूड एंड बेवरेज मैनेजर. नाउ अब आप मुझे बताओ कि आपके मुताबिक एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर की क्या बेसिक ड्यूटीज होती हैं? कैन यू टेल मी? कोई बच्चा कुछ भी गेस करो, गेस एनीथिंग. और एफएमबी वाले भी बता सकते हैं हाउसकीपिंग के साथ में. बीइंग एज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, व्हाट आर योर प्राइमरी ड्यूटीज? आपकी सबसे महत्वपूर्ण मूल्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या है? काफी शांति है. आई डोंट थिंक हम यहां पे मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट? सारे बच्चे अपने ओम की स्थिति में जा चुके हैं, बट आई वॉन्ट टू लिसन, मुझे सुनना है. क्या क्या करोगे अगर आप एग्जीक्यूटिव हाउस की बोलो, आप क्या क्या करना चाहिए, क्या सोचते हो, क्या करता होगा वो? चलो, कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि जो आपके होटल के स्टैंडर्ड्स हैं उसको टच करने की कोशिश करता है. वेरी राइट, ट्रू. व्हाट एल्स? आई लव दैट आंसर, बहुत अच्छा आंसर था वो. बेसिक और क्या होगा? हमारे पीछे जो बैठे हैं, पीछे ओ लास्ट बेंच, क्या ड्यूटीज होंगी? टेल मी. देखो घबराओ मत, मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, ना ही मैं कैमरे में से आके आपके कान पकड़ने वाला हूं. आप कहीं दूर बैठे हो, मैं कहीं दूर बैठा हूं, बट यू कैन टेल मी यूजिंग योर माइंड क्या क्या हो सकता है. दिस गर्ल टोल्ड मी वेरी गुड आंसर, मीटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ होटल. व्हाट एल्स? No idea? Get idea? So, बच्चों अभी मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं, सारे बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे. ये बेसिक पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट,
Sir. Task. Executive. Housekeeper. Task. Task यानी उसके काम. सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टास्क टेकिंग अटेंडेंस. टेकिंग अटेंडेंस. और अटेंडेंस सबको मालूम है ना क्या होता है, कौन आया है कौन नहीं आया, किसने बंक मारा, कौन छुट्टी पे गया, कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग एब्सेंट हैं, कितने लोग लीव पे हैं, कितने लोग हॉलिडे पे, वगैरह वगैरह. सो फर्स्ट टास्क इज टेकिंग अटेंडेंस. सेकंड ब्रीफिंग. ब्रीफिंग 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 बी आर आई ई एफ आई एन जी ब्रीफिंग. कोई बच्चा बता सकता है ब्रीफिंग का मतलब क्या होता है? ओके, किसी चीज को एक्सप्लेन करना. आप फर्स्ट फ्लोर पे काम करेंगे, आप पब्लिक एरिया में काम करेंगे, आप गार्डन में आपकी ड्यूटी है, आप स्टेयर के साफ करेंगे, आप सेकंड फ्लोर करेंगे, आप फोर्थ फ्लोर करेंगे, आप फिफ्थ फ्लोर करेंगे. सो जब यू यू करते हैं ना, यू 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 यू, इट मींस व्हेन आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू कि आज हमें क्या करना है, दैट इज ब्रीफिंग. आज हमारे लिए क्या काम है, कितने बजे तक उसे पूरा करना है, ब्रीफिंग. थर्ड ग्रूमिंग. ग्रूमिंग और ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है? एकदम शोरूम फीस की तरह, ब्रश भी नहीं किया, नहाकर भी नहीं आए, डीओ भी नहीं लगाया, मुंह से बदबू आ रहा है, यहां से बदबू आ रहा है, पीपल विल हेट यू. क्या आप चाहोगे कभी ऐसी आपकी सिचुएशन हो? अभी नहीं. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपने ड्रेस ठीक नहीं पहनी, गो चेंज योर ड्रेस, लुकिंग स्मार्ट, वेरी गुड. सो ये आप ग्रूम करोगे. जिसने अच्छे से तैयार होकर आया उसको शाबाशी दोगे, जो एकदम शैबी कंडीशन में है आप उसको वापस भेजोगे, शेव एंड कम बैक, कॉम एंड कम बैक. सो दैट इज ग्रूमिंग. नेक्स्ट ड्यूटी अलॉटमेंट. ड्यूटी 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 अलॉटमेंट यानी कितने लोग प्राइवेट एरिया में काम करेंगे, कितने लोग पब्लिक एरिया में काम करेंगे, कितने लोग आउटसाइड बिल्डिंग काम करेंगे, कितने लोग हॉर्टिकल्चर या गार्डन एरिया में काम करेंगे. दिस इज अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटी. नेक्स्ट पॉलिसी एंड प्रोसीजर. पॉलिसी एंड प्रोसीजर. इस पॉइंट से किसी को कुछ आइडिया मिल रहा है, क्या पॉलिसी क्या प्रोसीजर? लास्ट वाले बच्चे हमारे जो आखिरी में बैठे हैं, जो सीलिंग फैन को देख रहे हैं ऊपर, वो सीलिंग फैन है, वो हेलीकॉप्टर नहीं है. सो पॉलिसी एंड प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि अगर होटल में कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब हो सकता है कल तक हम अपने हाथों से मॉपिंग करते थे, आज हमारे पास मशीन आ गई. हो सकता है कल तक हम हाथ से जाले निकालते थे, कॉबवेब, आज हमारे पास उसकी मशीन है. हो सकता है कई बार बोनस आते हैं, आपकी सैलरी में बोनस आया. सो ये सारे पॉलिसी एंड प्रोसीजर है. अगर इनमें कोई चेंज आता है, अगर ये अपग्रेड होती है, तो हमें उन्हें स्टाफ में समझाना पड़ता है. और उसे कौन समझाता है? एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर. नेक्स्ट
VIPs in house. VIPs in house. बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव. वीआईपी का मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. और वीवीआईपी का मतलब क्या होता है? वेरी वेरी. सो इट मींस अ पर्सन हु इज स्टेइंग एट योर होटल, जो आपके होटल में ठहरा है और वो वीआईपी है, इसका मतलब वो थोड़ा सा एक स्टेटस में बाकियों से ऊपर चला जाता है. इट कुड बी ए हॉलीवुड सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी हो सकता है. अ पर्सन हु इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, हु इज कैरिंग अ बिग आइडेंटिटी विद हिम. सो ये सारी चीजें एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर अपने स्टाफ को समझाता है कि बॉस, व्हेन यू गो टू 315 बी केयरफुल, वहां पे हमारे एमएलए साहब हैं. व्हेन यू गो टू 310 बी केयरफुल, वहां पे शाहरुख खान है. सो इट मींस बाय टेलिंग अबाउट वीआईपीज, हम अपने स्टाफ को पहले ही ये इत्तला कर रहे हैं कि जब आप इस रूम में सफाई करने जा रहे होंगे, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहे होंगे, बी मोर प्रोफेशनल, बी मोर सिंसियर. नेक्स्ट, फीडबैक फ्रॉम स्टाफ. फीडबैक फ्रॉम स्टाफ. फीडबैक फ्रॉम स्टाफ, इसका मतलब आज नया दिन शुरू हुआ है, मैं आपको नई ड्यूटीज दे रहा हूं, बट इससे भी इंपॉर्टेंट काम यह है कि कल जो दिन बीत चुका है उस दिन में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कहीं किसी ने कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन तो नहीं देखा, कहीं कोई ड्रग सप्लायर हमारे होटल में तो नहीं ठहरा है, कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं है, कहीं किसी गेस्ट के साथ तूतू मैमे तो नहीं हो गई थी. सो आपने अपने स्टाफ से फीडबैक लेना है. टेल मी हाउ वाज योर डे यस्टरडे, इज एवरीथिंग वेंट फाइन और यू हैड सम प्रॉब्लम. स्पेशली आप बच्चे जो जॉब को पहली बार, आपको पहली बार ये जॉब दी जाएगी, ये अलॉटमेंट दी जाएगी, आप एक ही दिन में चैंपियन नहीं बनोगे, आपसे रोज गलतियां होंगी. यू विल डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट उन गलतियों से आप सीखोगे और आप रोज अपने एग्जीक्यूटिव को बताओगे, सर यस्टरडे आई टुक सो मच टाइम फॉर बेड मेकिंग, सर यस्टरडे समथिंग वेंट रॉन्ग विद माय वॉकी टॉकी, मुझे आवाज नहीं आ रही थी. सो यू आर गिविंग फीडबैक एंड टू हुम यू आर गिविंग? एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ. ट्रेनिंग स्टाफ, जब आप लोग पहली बार किसी कंपनी या किसी होटल को ज्वाइन करोगे तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आपको जॉब में ऑन द जॉब उतारा जाएगा. यू विल परफॉर्म द जॉब, स्टिल अगर आपके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आपने कुछ ठीक से सीखा नहीं, दोबारा आपको ट्रेनिंग दी जाएगी. सो यू कीप ऑन गेटिंग ट्रेनिंग टिल द टाइम यू आर कॉन्फिडेंट, टिल द टाइम यू आर शाइनिंग लाइक ए स्टार. तो ट्रेनिंग जरूरी होती है. एक इंसान को कभी नहीं मालूम चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, होटल मेरे से क्या चाहता है, मैं होटल को क्या प्रोवाइड कर रही हूं, क्या ये दोनों सेम है, अगर नहीं तो ट्रेनिंग चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉग्निशन एंड प्रेजेस. रिकॉग्निशन, आर ई सी ओ जी एन आई टी आई ओ एन. ये जो हमारे लेफ्ट में लेडी बैठी हुई लड़की फर्स्ट बेंच पे, इज शी राइटिंग एनीथिंग? नो पेन, दिस इज नॉट डन. सबसे सामने बैठ के आप लिख ही नहीं रहे हो, बाकी बच्चे लिखते रहे, कम ऑन. रिकॉग्निशन एंड प्रेजेस, अगर आपके स्टाफ में, मैं एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हूं, आप सब मेरी टीम हो, अगर आप में से दो बच्चे, तीन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मैंने सामने बुला के उनकी पीठ थपथपाऊंगा एंड आई विल से गुड जॉब, बेस्ट एम्प्लॉय, वंडरफुल वर्क, एक्सीलेंट. सो जब हम इस तरह से किसी को शाबाशी देते हैं,
यू फील गुड कि मुझे शाबाशी मिली. अगर आप रोज अच्छा काम कर रहे हो एंड आई एम स्टिल सिटिंग लाइक दिस, मैं आपको कोई एक्सीलेंट कोई गुड वगैरह कुछ बोल रहा हूं, ओके डू द जॉब, ओके डू इट डू इट डू इट, बट इफ यू डूइंग गुड जॉब आई हैव टू प्रेज यू. दिस लेडी इज डूइंग वंडरफुल टास्क. नेक्स्ट 3 मंथ्स शी विल बी फ्लोर सुपरवाइजर. तालियां, सारे तालियां मारेंगे. सो व्हेन समबडी क्लैप्स फॉर यू फील गुड, मोटिवेटेड हो जाते हो, होता है ना. अगर मैं भी आपको कोई सवाल पूछूंगा और सामने एक लड़की हाथ खड़ा करके, एक बच्ची हाथ खड़ा करके बोले सर ये आंसर है, और मैं बोलूं वेरी नाइस यू फील गुड, जो ह्यूमन है इंसान है वो हमेशा इन चीजों का भूखा है. उसको चाहिए कि कोई उसके काम की सराहना करे, उसको प्रेज करे, उसे कभी डांटे ना. बट अगर गलत काम करोगे तो डांट तो पड़ेगी. Next point. Guest complaint. यानी जो जो गेस्ट की कंप्लेंट आपके पास आई थी, क्या आपने उस गेस्ट कंप्लेंट को हैंडल किया, कंप्लीट किया, या वो पेंडिंग है. तो एग्जैक्टली गेस्ट कंप्लेंट का स्टेटस क्या चल रहा है. 301 ने बोला था मुझे एक्स्ट्रा बेड चाहिए, क्या आपने एक्स्ट्रा बेड दिया. रूम 302 ने बोला था मेरे एसी में से धुआं निकल रहा है, क्या आपने इंजीनियरिंग वाले को कांटेक्ट किया. रूम 315 ने मुझे बोला था कि मुझे मेरी वाइफ का बर्थडे आ रहा है, मुझे बड़ा सा केक और बुके देना है, क्या आपने वो केक और बुके सप्लाई किया. उसकी वाइफ का बर्थडे आज है और आपने किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया. गेस्ट वेट कर रहा है कि कब दरवाजा खटखटाएगा कोई और केक और फूल लेकर आएगा. पूरा दिन गुजर गया, कोई नहीं आया. डू यू थिंक वो गेस्ट खुश रहेगा. डू यू थिंक नेवर. अरे उसकी होम मिनिस्टर, उसकी वाइफ का बर्थडे था, केक नहीं आया, बुके नहीं आया, पिटाई भी पड़ेगी, वो आपके ऊपर गुस्सा निकालेंगे. सो मेक श्योर यू हैंडल ईच एंड एवरी कंप्लेंट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. सपोज करो एक गेस्ट ने आपको बोला आई नीड वेकअप कॉल, मुझे वेकअप कॉल देना सुबह 5 बजे क्योंकि मेरी 6 o'clock एक फ्लाइट है. आप भूल गए, अब क्या होगा बताओ. आपने वेकअप कॉल नहीं दिया, उसकी फ्लाइट मिस कर गई. नाउ व्हाट विल हैपन. गेस्ट आपके साथ बॉक्सिंग बैग वाला हिसाब करेगा, वो आपके ऊपर गुस्सा निकालेगा, फ्रस्ट्रेशन निकालेगा. इसके कारण क्या होगा. अगर उसने रूम में आपको डांटा है तो फाइन, अगर उसने आपको लॉबी में आके डांटा, लॉबी सारे गेस्ट आपको देखेंगे और सबके सामने एक ही पिक्चर पोर्ट्रेट होगी, ये जो होटल का स्टाफ है ये अनप्रोफेशनल है. छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज आपने देखना भूल गए, गेस्ट को उठाना भूल गए, गेस्ट सोता रह गया, फ्लाइट उड़ गई, अब वो आपके ऊपर गुस्सा निकालेगा. सो दीज स्मॉल थिंग्स एड अप टू अ बिग पिक्चर. माउंट एवरेस्ट भी पहले एक छोटा सा पत्थर था जो धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट बन गया. तो इसी तरह आपको ये ध्यान में रखना है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कभी भी गलती से ना करें. नेक्स्ट, कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल यानी आपके मैनेजमेंट ने आपको 5 lakh rupees का बजट दिया था. ये सर आपके 5 lakh rupees, आप हाउसकीपिंग के एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हैं, इस 5 lakh में आप अपने इक्विपमेंट खरीदो, केमिकल एजेंट खरीदो, केमिकल खरीदो, बेडशीट खरीदो, पिल्लो कवर खरीदो, ब्रूम खरीदो, जो खरीदना आप इस 5 lakh में खरीदो. नाउ आप सब अपने होटल के एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर हैं. 10 बच्चे अगर मैं चुनूं और आपके हाथ में 5 lakh rupees दे दूं, हर बच्चा अपने हिसाब से 5 lakh को स्पेंड करेगा. कई बच्चे उसे या कई एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर उसे सिर्फ मशीन खरीदने में लगाएंगे. कई बोलेंगे नहीं यार
थोड़ी मशीन खरीदते हैं, थोड़ा मैनुअल करेंगे। कई बोलते छोड़ मशीन नहीं चाहिए, मैनुअली करेंगे, झाड़ू लगा लेंगे, मशीन में नहीं बैठना, वो मशीन बहुत महंगी आती है। तो हर जगह कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ता है, और कॉस्ट कंट्रोल किसने किया जाता है वो मेरे को बताएगा। कॉस्ट को क्यों कंट्रोल करना पड़ता है, वरना डूब जाएगा कौन टाइटैनिक। राइट, कहीं ना कहीं आपने एकदम ठीक बोला, उस टाइटैनिक की तरह जिसमें एक छोटा सा छेद हो जाएगा तो पूरा टाइटैनिक नीचे पाताल लोक में चला जाएगा। अगर आपने कॉस्ट कंट्रोल नहीं की, आपको मालूम नहीं चलेगा आपके एक्सपेंसेस पूरी सीमाओं को क्रॉस करते हुए आसमान में पहुंच जाएंगे, और आपके पास इनकम कम होगी लेकिन एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजिंग डिसिप्लिन। मैनेजिंग डिसिप्लिन एक बहुत ही सिंपल वर्ड जो हर बच्चा यहां पे बैठा जानता है कि क्यों जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप चुपचाप डिसिप्लिन में बैठो, क्यों जब आपको ड्यूटी दी जा रही है तो आप उसे पूरी शिद्दत से पूरा करो, उस ड्यूटी को 110% परफॉर्म करो, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन सुनते सबसे पहले क्या याद आता है, अगर मानो डिसिप्लिन आर्मी, राइट आर्मी में सबसे मेन क्या होता है, डिसिप्लिन। सारे परफेक्ट यूनिफॉर्म, परफेक्ट शूज, शाइनिंग टोपी सर पे रखे, मार्च पास, दे स्टैंडिंग, दैट इज डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन सिर्फ आर्मी में नहीं होता, डिसिप्लिन हर उस जगह में होता है जहां पे काम है। ठीक है, यू गॉट इट, सबको समझ में आ गया ये? यस सर, यस सर, ओह माय गॉड, ये क्या था, ये तो जैसे महाभारत में युद्ध होने जा रहा है उससे पहले शुरू हो जा रहे हैं आक्रमण। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हाउसकीपिंग और एफएमबी दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका लक कभी भी यू टर्न ले सकता है। हो सकता है आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछे जाए, या फिर हो सकता है आपसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाए। नाउ हमारे एफएमबी वालों के लिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि वो बच्चे अपने बुक में नोट डाउन करेंगे, क्या लिख रहा हूं मैं, टॉपिक क्या है, नेशनल सूप। मैं आपको 5 या 6 नेशनल सूप बताऊंगा, आपको ये नेशनल सूप याद रखने हैं। टोमेटो सूप कहां का होगा, कैन यू इमेजिन, टोमेटो सूप कौन से डू यू नो, टोमेटो सूप ये जो मैंने लिखा टोमेटो सूप, ये कौन से कंट्री का सूप है, फ्रेंच, ये तो प्लेन उड़ गया, फ्रेंच, ये सूप कौन सा लिखा मैंने, मिनिस्ट्रॉन, अजाको, फूफू एंड एगुसी, बहुत ही फनी नेम, बहुत ही क्यूट सा, फूफू एंड एगुसी, दिस इज नाइजीरिया। ये कहां का होगा, किसको मालूम है, स्विट्जरलैंड, यस बहुत बढ़िया था, बट इट इज एक्चुअली फ्रेंच, फ्रेंच या फ्रांस,
ये है हमारे फेमस नेशनल सूप. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट. इंडिया इज द बेस्ट. प्योर स्पाइसी मटन सूप, मूली गतवाने. तो मूली गतवाने, गोमगोक, स्कॉच ब्रॉथ, इगुसी, अजाको, मिनिस्ट्रॉन एंड टमेटो सूप. These are known as the national या famous national soup. ठीक इसी से मिलता जुलता next topic, which is famous salad. 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 Wow, मजा आ गया. Very good, very good. ये बोलते तो रहो, I'm liking it, but साथ में फिर लिखना है. अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा ना, मैं आपके काम पकड़ूंगा. Caesar salad. Caesar salad. प्याज. प्याज का मतलब होता है टर्किश सैलेड. बॉलड्रॉप सैलेड, न्यूयॉर्क. बॉलड्रॉप सैलेड, न्यूयॉर्क. And last, antipasto, Italy. हमारे जो सैलेड हो गए, अकार इंडोनेशिया, कोल्सलो यूएस यूके, सीजर यूएस मेक्सिको, पियाज टर्की, वॉल्ड्रॉफ न्यूयॉर्क, एंटीपास्टो इटली. दीज आर द वर्ल्ड famous salad. बच्चों ने सैलेड लिखी ऊपर. क्या सारे बच्चों ने सैलेड के नाम लिख लिए? yes, अब आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट, खासकर एफएमबी वालों से, आपको ब्रेकफास्ट सीरियल्स के नाम मालूम है? yes, बताओ, मैं सुनना चाहता हूं. कॉर्नफ्लेक्स. अच्छा, सारे कॉर्नफ्लेक्स करते हैं. और टोस्ट, ओके, वेरी गुड. ओपील, पोरेज. पोरेज यानी दलिया. मूसली. सबको हंसी आ रही है ना? सबको फ्लेक. हनीकॉम एंड वेरी फेमस एप्पल जैक. सॉरी,
एप्पल जैक। बेटा अभी तो हंस लो, जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तब मुझे याद करोगे। एप्पल जैक Stain removal equipment. Steam gun. Brushes. Chamoy leather. Absorbent pad. Drying cabinet. And magnifying glass. ये हमारे हाउसकीपिंग के बच्चों के लिए है। अगर आपसे टेक्निकल क्वेश्चन में कोई पूछा जाता है कि स्टेन रिमूवल तो ठीक है, आई नो स्टेन रिमूवल मींस दाग को हटाना, उस स्टेन रिमूवल प्रोसेस में हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, तो यू शुड नो इसमें स्टीम गन आता है, ब्रशेज आते हैं, केमोय लेदर आता है, एब्जॉर्बेंट पैड आता है, ड्रॉइंग कैबिनेट एंड मैग्निफाइंग ग्लास आता है। सब बच्चों ने लिख लिया ये? लिख रहे हो? प्लीज राइट इट डाउन, थोड़ा थोड़ा सा फास्ट लिखना। तो अगर हम पर्टिकुलर स्टेन की बात करते हैं, स्टेन कितने तरह के होते हैं मैंने उस दिन बताया था, हाउ मेनी टाइप्स? थ्री टाइप्स। क्या नाम थे उनके? जल्दी बताओ कितने टाइप्स के थे, क्या नाम था उनका? थ्री टाइप्स। ओके, द फर्स्ट वन इज एब्जॉर्ब स्टेन, सेकंड वन बिल्ट अप स्टेन, बिल्ट अप स्टेन, थर्ड Superb, excellent, very good. So, अब उन्हीं stains को निकालने के लिए, should I, सब बच्चों ने लिख लिया ये? Yes, sir. Very good. Now, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा एक picture खोली हुई है, जो हमने पहला equipment पढ़ा था, steam gun. Steam gun means अगर आपके coat, suppose ये मेरा blazer है, imagine, ये blazer है, ये पूरा साफ है, लेकिन मैं चिकन खा रहा था, चिकन खाते मेरे यहाँ पे चिकन ग्रेवी गिर गई यहाँ पे, क्या इस ग्रेवी के निशान के लिए हम पूरा ब्लेजर साफ करेंगे? डू यू थिंक? अगर सिर्फ इतना सा ग्रेवी लगा है, खाते वक्त हार्ट टच हो गया था, इतने से पार्ट के लिए क्या मैं पूरा अपना ब्लेजर साफ कराऊंगा? नो, उस टाइम हम क्या करेंगे, ये स्टीम गन से ऐसे साफ कर देंगे। ये स्टीम गन कैसा होता है मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूं, हैव अ लुक। ये स्टीम गन कुछ इस तरह का दिखता है, सब बच्चों को दिख रहा है यहाँ पे? तो बेसिकली बेटा इसमें ये होता है कि जो पैड है ना यहाँ पे, ये जो आपको एक ये आर्म रेस्ट की तरह दिख रहा है, इसके ऊपर हम ब्लेजर रखते हैं, और ये जो होता है पर्टिकुलर पाइप, इसके अंदर बहुत ही हाई प्रेशर हॉट वेपर एक कंटेंट होता है, और ये जो आपके पास लीवर है, जैसे आप इसको प्रेस करते हो, इसके आगे से बहुत ही रफ्तार में हाई टेम्परेचर वेपर स्टीम निकलती है। स्टीम क्या करती है, उस पर्टिकुलर निशान को वहां से इरेज कर देती है without fading the color of that particular cloth. This particular equipment is known as steam gun. एक और मैंने आपको बताया था equipment, जो जिसे हम केमोय लेदर कहते हैं। किसी बच्चे को मालूम है केमोय लेदर क्या होता है? What is केमोय लेदर? No sir.
कैमोइल लेदर एक यूजुअली गोट होती है ना, गोट एंड भेड़ बकरी, ये उनके स्किन से बनती है। इस कैमोइल लेदर की खास बात ये होती है कि इनके अंदर आपकी यहाँ पे फ्रेश स्टेन है। मेरे अभी इस ब्लेजर के ऊपर एक स्टेन गिरा है। इस स्टेन को तुरंत सोख करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर, याद है सबको ब्लॉटिंग पेपर, जब हम छोटे थे इंक पेन से लिखते थे तो ब्लॉटिंग पेपर से उसको साफ करते थे, ब्लॉटिंग पेपर से, ठीक वही एब्जॉर्प्शन वाली क्वालिटी कैमोइल लेदर में होती है। हम इसको यूं पकड़कर दबाते हैं और वो स्टारस इतना स्टेन होता है उसे खींच लेता है। कुछ इस तरह की फोटो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। दिस इज कैमोइल लेदर, दिख रहा है आपको येलो कलर का? तो दिस पर्टिकुलर येलो टाइप ऑफ क्लॉथ इज एक्चुअली नॉट अ क्लॉथ बट इट इज अ कैमोइल लेदर। कई बार आप रेबैन के ग्लासेस लेना, अगर आप अरमानी गुची या रेबैन के ग्लासेस लेंगे तो उनके केस को खोल के देखना, जो उसका केस होता है ना उसको खोल के देखना, उसके अंदर एक कोटिंग होती है, सॉफ्ट कोटिंग, आप उसको हाथ लगाओ तो बहुत ही सिल्की टाइप होता है, दैट इज नथिंग बट अ कैमोइल लेदर। उसके साथ एक कपड़ा मिलता है जिससे आप अपने एविएटर सनग्लासेस को साफ करते हो, देखा है ना आपने कई बार, एक छोटा सा क्लॉथ आता है, वो क्लॉथ इज नथिंग बट कैमोइल लेदर। तो ये जो आपके पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स हैं, स्टीम गन, ब्रशेस, कैमोइल लेदर, एब्जॉर्बेंट पैड, ड्राइंग कैबिनेट, ड्राइंग कैबिनेट एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको यूजली हीट अप किया जाता है और उसके अंदर आप जो भी कपड़ा रखते हो वो वेट से ड्राई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो पूरी तरह से सूख जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई जो डिटेक्टिव यूज करते हैं, क्योंकि कई बार आपके कपड़ों में ऐसे स्टेन लगे होते हैं विच कैन नॉट बी विजिबल बाय नेकेड आई, देख नहीं सकते, उसके लिए आपको जूम करना पड़ता है, एंड देन वी रिक्वायर मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर द सेम। समझ में आ गया सबको? Yes, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको लिखाई है इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इसको जानने की कोशिश करो कि इनके अंदर ये पर्टिकुलर चीजें क्यों फॉल होती हैं, और उससे भी कई ज्यादा जरूरी इनको याद करो। ये सब चीजें सिर्फ लिखवाने के लिए नहीं है, आपके लिए जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उसका एक ही मकसद है, आप सब बच्चों को टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं पर बेसिक क्लियर कराया जा सके कि जब हाउसकीपिंग की बात होती है, हाउसकीपिंग इज नॉट जस्ट ग्रूमिंग ग्रूमिंग ग्रूमिंग, नहीं, हाउसकीपिंग इज नॉट ग्रूमिंग, हाउसकीपिंग इज हैंडलिंग अ बिग कार, एक बड़ी सी कार जैसी मशीन जिसमें रोटेटर है, जिसमें वैक्यूम क्लीनर है, जिसमें स्क्रबर है, उस मशीन की कीमत होती है 3 crore, 5 crore। सो इट्स नॉट जस्ट 50 rupees ब्रूम बट इट माइट बी 3 crore का मशीन विच यू आर ड्राइविंग। सो प्लीज इन चीजों को आप ध्यान में रखिए कि कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, हमारी सोच उसे छोटा या बड़ा करती है। नेवर एवर, सब बच्चों को मैं दोबारा बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा, लगातार बोलूंगा, यू आर नो वन टू ग्रेड अ जॉब, क्योंकि आप इसके बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए आप कभी भी किसी जॉब को ग्रेड मत करना। जिस दिन आपने अपनी जॉब को ग्रेड किया इट मींस आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। So never ever grade a job. Every job is respectful if you do it with loyalty. फिर चाहे वो एक आप होटल में काम करो, चाहे बीपीओ में काम करो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी, जो काम आपको दिया गया है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे बैठे हर बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस दें, सारे बोले इससे अच्छा कोई काम नहीं कर सकता, एंड यू विल बी प्रमोटेड। पहले अच्छा काम करो, पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा, लेकिन पहले पैसे के पीछे भागोगे तो अच्छा काम दूर चला जाएगा, ठीक है? वेरी गुड।
सारे साथ में यस सर चिल्लाते ना, आई फील सो ग्रेट, वाह। उससे पहले सारे बच्चे ऐसे, सर हमको थोड़ा कोल्ड ड्रिंक दो, हमको थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक दो, हम तब बोलेंगे, नहीं तो हम सोते रहेंगे, ठीक है? I'm just joking, I'm joking. So that's it for today, guys. आज के लिए हमारा ये सेशन यहीं पे खत्म होता है. But yes sir, what? What yes sir? लेकिन दोबारा आएंगे नई इंफॉर्मेशन के साथ. इस चीज को हाँ सब खड़े हुए बैठो, इस चीज को रिवाइज करना है, इस चीज को अच्छे से याद करना है. और याद रखो, कभी भी आपका क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकता हूं. आई माइट आस्क यू एनीथिंग, यू हैव टू बी रेडी विद योर आंसर. तब बुक में नहीं देखना. टिल दैट टाइम गाइस, टेक केयर. थैंक यू सर.